खाल्स रोड से 7 किलोमीटर दूर फरनाजी देव मंदिर मेले में एक व्यापारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें 2 पुलिसकर्मी व्यापारी की पिटाई कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो 2 दिन पुराना है। इसमें भूपेंद्र नाम का पुलिस जवान व्यापारी की दुकान पर भजिए लेने पहुंचा था। उसने SDM का हवाला देते हुए 200 ग्राम भजिए पैक करवाए थे और बगैर रुपए दिए वह चला गया। थोड़ी देर बाद ये कांस्टेबल फिर से दुकान पर आया और 600 ग्राम भजिए मांगे। जब दुकानदार ने रुपए मांगे तो वह चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुधीर शर्मा को लेकर दुकान पर पहुंचा। चौकी प्रभारी ने दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। ये माजरा देख लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने उसकी पिटाई तो की ही, दुकान भी पीछे करने का हवाला दिया। ऐसा नहीं करने पर तलवार से काटने की धमकी दी। घटना के बाद व्यापारी ने थाने में आवेदन दिया है। सुनो मेरी बात, इधर सुनो। ये क्या है? ये बोले सामान हटाने में गाली गुप्ता करने लग गए। भूपेंद्र सिंह करके थे, तो सूरज शर्मा, अच्छा टू स्टार वो थे। मेरे दौरान रतलाम को रहने वाला था, 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और आज तक ऐसा मैटर नहीं हुआ पुलिस प्रशासन को। ये ऐसे दो जवान की वजह से, इन दो जवानों की वजह से ऐसा हुआ पहली बार 20 साल हो गए मुझे आते। यहाँ पे जो दो पुलिस वाले आए थे उन्होंने भजिए सर भजिए मांगे, ठीक है, तो उनको दे दिए भजिए, तो फिर पैसे मांगे थे, तो पैसे देने के। दुकानदार कौन थे? मेरे पापा थे। आपके पापा ही हैं? क्या नाम उनका? मदन लाल जी। हाँ, तो सर उनको पैसे मांगे तो गाली गलौज करने लग गए और बोलते एक दिन सामने भजिए मांगवा, तो ठीक है दे दिए उनको, फिर पैसे पैसे के लिए गाली गलौज करने लग गए। तो फिर वो गए, फिर वो जो टू स्टार है सुधीर जी शर्मा उनको बुला के लेके आए, फिर वो आए फॉलो वॉलर पकड़ी और चाटा मार दिया। यही सब हुई घटना। फिर ऊपर से बोलते हैं तलवार से काट देंगे, वो कर देंगे, समथिंग 9 बजे। और उसके बाद क्या हुआ, ये मैटर थोड़ा क्लोज हुआ, उसके बाद वापस रिटर्न उधर से आए तो साहब बोलते हैं ये सारे दुकानें हटा लेना, वरना सबको काट डालूंगा।